सबसे ज्यादा अगर जो प्रभावित हुए थे बच्चे, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही प्रभावित हुए थे, क्योंकि न घर में उनके पास व्यवस्थाएं थी, ना माँ बाप इतने शिक्षित थे और स्कूल के भरोसे थे, तो उस समय जो है काफ़ी उनको दिक्कत हुआ। तो ऐसे समय, ऐसे विकट परिस्थिति में जहाँ सब कोई भी लोग अछूता नहीं रहे थे इस महामारी में और अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हमारे बच्चे ही, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही प्रभावित हुए। लेकिन जो पुस्तकालय हम लोगों ने जो स्थापित किया था, इसके माध्यम से बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। वो डर डर के भी पढ़ रहे थे कि कहीं कंप्लेन हो जाएगा तो दिक्कत होगा। बच्चे लोग सुबह में टिफिन लेके आते थे और शाम में ही जाते थे पढ़ाई करके। तो और सबसे बड़ी बात थी कि ये एस्टेब्लिशमेंट होने के कारण ही, जैसे रात्रि पाठशाला के जो बच्चे लोग हैं, जिस तरह से मांडर क्षेत्र में अनिल लीड कर रहे हैं सर के मार्गदर्शन पे, तो उसी तरह से हम लोग भी कोल्हान में जो है इस तरह का कार्यक्रम, हम लोग इस तरह का जो पुस्तकालय अभियान है इसको जारी रखे थे, जिसका बहुत अच्छा फायदा हम लोग को लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। आपको बताते हैं कि जून में लॉकडाउन के समय में दिल्ली से हम लोगों ने एक काउंसलिंग हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गणेश माझी, आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में उनका लेख आता है प्रभात खबर में, गणेश माझी, अनुज लुगुन, महादेव टप्पो जी, ये लोग सब मिल करके और भी प्रोफेसर मैडम लोग हैं, तो उन लोगों ने एक करियर काउंसलिंग रखा था। तो चूंकि हमारा जो पूरा लाइब्रेरी डिजिटल, ज़्यादातर लाइब्रेरी जो है डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो उसमें उन लोग 200 से ज़्यादा बच्चे जो है उस काउंसलिंग में लॉकडाउन के पीरियड में जो है उन लोग सुन पाए, उन लोगों के विचारों को जान पाए और उनको मैंने मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि जो जिस परिवेश में हम जो हमारे बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जिसको सरकारी व्यवस्था के अधीन हम लोग छोड़ दिए हैं और उनकी जो स्थिति है कि वो सोच नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ को ही हम लोगों ने पकड़ा है और पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को बचपन से ही हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि बच्चे अच्छा सोचे। सर ने बताया कि भाई ये एकदम एग्जैक्ट बात है कि अगर पूछते हैं तो पुलिस में जाएंगे या आर्मी में जाएंगे या तो टीचर या नर्सिंग में जाएंगे, लेकिन IAS अफसर बनना, जुडिशियल सर्विसेज में जाना, हायर एजुकेशन करना, ये सारे बच्चों में नहीं था। लेकिन अभी आप कोई भी अगर हमारा पुस्तकालय अगर जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल भी जाना नहीं शुरू किए हैं, वो लोग भी अब बहुत विजनरी हो गए हैं और वो लोग जो है अभी से जो है सारे उनको जानकारी प्राप्त हो गई है पुस्तकालय के माध्यम से। हम लोगों ने 2020 तो ऐसे ही थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हुआ था, लेकिन 2021 में अंग्रेजी और कंप्यूटर अवेयरनेस को, कंप्यूटर की जानकारी को हम लोगों ने एक थीम बनाया है अपने भाषा, अगर वो भाषा क्षेत्र में है तो बच्चे वो भाषा को और अंग्रेजी को और कंप्यूटर को लेकर आगे बढ़ेंगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे। ये व्यवस्था हम लोगों ने डिजिटल पुस्तकालय माध्यम से दिया है। डिजिटल का मतलब यही है कि जो हमारा पुस्तकालय है वो इंटरनेट, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अभी बहुत सारे पुस्तकालय में हम लोगों ने प्रोजेक्टर भी लगाया है और अभी हम लोग एक जो 12 साल पहले एक हम लोग पुस्तकालय जहाँ से हमने शुरुआत किया था कुलहातू में, अभी उसको हम लोग अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं। मेरा छोटा भाई को पहला सैलरी मिला तो सभी लोग मंदिर में दान करते हैं और इधर दान करते हैं, तो उसने पूछा कि भैया क्या करें, तो हम बोले कि पूरा लगा दो। तो अभी जो है उसमें हम लोगों ने अभी हाईटेक पढ़ाई के लिए जो है LCDs लगाना है, 26 तारीख को हम लोग उसको ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो, और एक बात दीदी भी बोल रहे थे कि CNT SPT Act, हमारे बहुत सारे युवा साथी नहीं जानते हैं क्या क्या प्रावधान है सारा चीज, तो हम लोग अभी पुस्तकालय में पूरा जो है झारखंड झरोका टाइप का जो है एक लाइब्रेरी भी विकसित कर रहे हैं, जहाँ कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी से एक अलग ज्ञानवर्धन लाइब्रेरी होगा, जहाँ पर हमारे युवा, बुजुर्ग, महिलाएँ सभी जा करके वहाँ ऐसा शिक्षा ले सकते हैं, ऐसा जानकारी ले सकते हैं जो आपका नजरिया बदल सकता है। तो हम लोग हर लाइब्रेरी में अब जो है आदिवासी संस्कृति, भाषा और ज्ञान और भूगोल या यहाँ की राजनीति, ये से संबंधित या विभूति, हमारे जो आदिवासी विभूति हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो ये सारा चीज़ किताबों को भी हम लोग अब लाइब्रेरी में रखना चाह रहे हैं। पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था एक कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी से और बच्चों को पढ़ाने के लिए, छोटे बच्चे को, सीनियर बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। आपको और एक चीज़ बता दें कि हमारा जो पुस्तकालय है उसमें जो सबसे छोटे जो टीचर है वो 6th क्लास में पढ़ते हैं। हम लोग ईच वन टीच वन के फॉर्मूला में काम करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है और वही जो सीनियर बच्चे हैं उनको ये करते हैं। सर ने और एक बात बहुत अच्छा बात बताया जो बहुत कमियां हैं कि हम लोग युवा लोग जो लड़के हैं देखते हैं कि अगर फुटबॉल खेल हो रहा है या
या शादी ब्याह है या कोई ऐसा मनोरंजन डांस कॉम्पिटिशन, तो वहाँ बहुत सारे युवा दिखते हैं, लेकिन जब हम लोग शैक्षणिक गतिविधि करते हैं तो वहाँ युवा नहीं दिखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे समाज की जो 60-70% जो लड़कियाँ हैं वो लोग का उपस्थिति रहता है, तो ये हमारे लिए सुखद बात है। और शायद दीदी ने और एक बात बताया कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, इसीलिए शायद हमारा आदिवासी समुदाय अभी भी बचा हुआ है। अगर हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो हमारे समाज के महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और उन लोगों को भी हम लोग लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो जैसे इसमें ये हमारे जो पॉइंट मिला है कि आदिवासी महिलाओं और लड़कियों को जो ट्रैफिकिंग है और शिक्षा रोजगार से जोड़ने के सारी चीज़ें हैं, और आपका जैसे आदिवासी समाज में महान आदिवासी वीर सपूतों सामाजिक प्रसिद्ध महापुरुषों को जन्म दिवस को शहादत दिवस को मनाना है, तो हम लोग पुस्तकालय के माध्यम से जितने भी वीर हमारे जो आदिवासी वीर महानुभव हैं उनके जयंतियाँ पुण्यतिथि भी हम लोग मनाते हैं। इससे बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी होता है, और हमारे जितने भी पुस्तकालय हैं, जितने भी पुस्तकालय हम लोगों ने स्टेबल किया है सभी जो है वीर सपूत को नाम पे ही है। तिलका मांझी पुस्तकालय आपका घाटशिला में है, सिद्धू कानू है मुशावनी में, अभी थालूमगढ़ में हम लोग स्वर्गीय जो पद्मश्री डॉक्टर दिगंबर हांसदा के नाम से हम लोग अभी हाल में ही थालूमगढ़ के रावताड़ा पंचायत में हम लोग दो पुस्तकालय हम लोग वहाँ पर खोले हैं। तो वहाँ पर और एक जो संथाल समाज के जो बहुत जिनको बोला जाता है कि धर्म ग्रंथ लिखे थे लक्ष्मण टुडू जो है डॉक्टर, वो बहुत विद्वान है, उनके नाम से हम लोग उनके गांव में पुस्तकालय खोले हैं। तो इस तरह से मनोहरपुर में हम लोगों ने जो है कार्तिक बाबा के नाम से खोला है, सहरगढ़ा में कार्तिक बाबा से के नाम से, रिडिंदा जो है पहाड़ के नीचे एकदम तराई है, खरसवां का इंटीरियर एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने वीर शहीद फोटो हो के नाम से वो पुस्तकालय का संचालित किया है। और तो जितने भी जगन्नाथपुर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, यानी जितने भी हमारे पुस्तकालय हैं हम लोगों ने वीर शहीदों के नाम से या जो आदिवासी के हितैषी रहे हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया उनके नामों से हम लोगों ने पुस्तकालय की स्थापना की। इससे ये इम्पैक्ट पड़ा है कि जब भी जयंती होता है तो हम लोग पुस्तकालय का भी स्थापना वर्ष मनाते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं।